अंग्रेज यहाँ पर हुक्मरान थे, उन्होंने यहाँ कब्जा किया। पाकिस्तान के क़याम को 75 साल हो गए हैं। जब कायदे आज़म हमारे वालिद साहब के मेहमान बने तो वो 9 दिन इस मकान में उन्होंने रिहाइश का अपनी बनाई। टाउन गलियों में, बाजारों में फुदकते फिरते थे कि पाकिस्तान बन रहा है, पाकिस्तान, पाकिस्तान बन रहा है, पाकिस्तान बन रहा है। दो बड़े ग्रोह थे उस जमाने में, एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इन दोनों जो सियासी पार्टियां हैं, हिंदुस्तान के मसले पर इनका आपस में इख्तलाफ था, एक अप्रोच नहीं था। ये तो एक बहुत बड़ी तारीख है और एक लंबी दास्तान है जिसमें पाकिस्तान क्या कि इंडिया जो उस वक्त गैर मुनकसिम हिंदुस्तान के छप्पे छप्पे में लोग जो थे उन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, और मौजूदा जो पाकिस्तान है इसके जो 4 सूबे हैं इनमें से हर सूबे ने पाकिस्तान की जदोजहद में हिस्सा लिया। लेकिन मैं बतौर खास खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र इसलिए करूंगा कि हमारे सेंटर जो है वो इसी सूबे में वाक़े हैं। इस सूबे ने तहरीक पाकिस्तान में शानदार खिदमत अंजाम दी। उन्होंने ये मिशन अपना बनाया था कि कायदे आज़म साहब ने कि मैं ने पाकिस्तान बना के रखना है हर सूरत में, इसलिए लोग उसको जोश व खरोश के साथ देखने आते थे। तो मैं 14.5 साल की उम्र में कायदे आज़म को मिला था लाहौर में। ये हुस्न इत्तेफाक है कि मैं उस साल दुनिया में आया जिस साल चौधरी रहमत अली ने ये लफ्ज पाकिस्तान बनाया था, ये नाम रखा था। ये लफ्ज पाकिस्तान जो ही मेरे जहन में आता था तो मुझ में तथीर कल्ब पैदा होती, मेरा तज़किया नफ्स हो जाता। पाकिस्तान, पाक लोगों के रहने की जगह। March 23, 1940 को करारदाद पाकिस्तान के लिए जलसा हो रहा था, वो तो 3 दिन का जलसा था, 22 तारीख से शुरू हो चुका था और 24 तक जारी रहा लाहौर में। उस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं थी, इसलिए मुस्लिम लीग की जो टॉप लीडरशिप थी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मुस्लिम लीग से रिक्वेस्ट की कि यहाँ से पख्तून नौजवानों का एक दस्ता वहाँ भेज दे ताकि वो वहाँ पे उस जलसे की हिफाजत कर सके। तो ये बहुत कम लोगों को शायद मालूम होगा कि 250 पख्तून नौजवानों का एक दस्ता पेशावर से बजरिए ट्रेन रवाना हुआ और वो 4 दिन वहां पे रहा और उन्होंने उस जलसे को मुमकिन बना दिया और उसके अंदर जो है अमन व अमान की और सिक्योरिटी को मुमकिन बना दिया। मैं नवी जमात में था, अभी पाकिस्तान नहीं बना था, 1947 की बात है। अपने घर से ये लाहौर गया था कायदे आज़म को मिलने के लिए। जब मैं मिला तो एक
पतला दुबला पतला शख्स देखकर मुझ पर एक कैफियत तारी हुई कि ये शख्स इतना बड़ा काम करने जा रहा है कि पाकिस्तान बनाने जा रहा है, आलम इस्लाम में सबसे बड़ी सल्तनत उसकी ताकबेल डालने जा रहा है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना 3 बार इस सूबे का दौरा करने के लिए तशरीफ लाए, एक 1936 में, एक 1945 में और आखिरी दौरा उन्होंने अपने इंतकाल से चंद महीने पहले पिशावर का किया, जो 1948 में बतौर गवर्नर जनरल वो यहां पे आए। वो यहाँ से लंडीकोटल जुलूस की शक्ल में गए, फिर उसके बाद वो शाहीबाग गए और फिर उसके बाद वो तोरखम गए जुलूस की शक्ल में। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इस सूबे से मोहब्बत का अंदाजा इस बात से लगा ले कि उन्होंने अपनी जायदाद का 1/3 हिस्सा इस्लामिया कॉलेज पेशावर को दिया है, जिससे आमदनी अब भी उस कॉलेज में आ रही है। मैंने आज के नौजवानों को करीब से देखा हुआ, इनके दिल में बड़े जज्बात हैं, बड़े ऊंचे ख्यालात हैं। मैं इनको पैगाम दूंगा, ऐ नौजवानों, उस उम्र फारूक की पैरवी करो और अपने अंदर जज्बात उभारो और पाकिस्तान को तरक्की दो, इस पंचमुजदा पाकिस्तान को तरक्की दो। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोदे सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, हरी शाखे मिल्लत तेरे नम सिया और नफस इस बदन में तेरे दम सिया। पाकिस्तान दुनिया के जो छठा मुल्क हैं आबादी के लिहाज से, इसी तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो जो उस उनमें जो रिजिलियंस है वो दुनिया के बहुत कम ऐसे ममालिक और लोगों में वो मौजूद हैं। इसी तरीके से यहाँ पे बसने वाले जो लोग हैं वो दुनिया वो मुख्तलिफ मैदानों में उन्होंने अपने जौहर दिखाए हैं और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ उनको मौका मिला उन्होंने अपनी सलाहियतों को मनवा लिया है। बड़ी तमन्ना से, बड़ी आरजू से अल्लाह के आगे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को फिर बुलंदियों पर पहुँचा दे वही पाकिस्तान जो कि कायदे आज़म के तसव्वुर में था। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए